नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं हरणजीत। आज की वीडियो कुछ अलग है। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाने जा रहा आपसे, बट एक बहुत ज़रूरी, बहुत नॉर्मल कमेंट है जो बहुत सारे लोगों के आते हैं, तो उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। बड़ा आसान लगता है लोगों को, ऐसा लगता है बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, कुछ नहीं करना पड़े, हाथ हिलाना नहीं पड़े, खाना अपने आप मुंह में चला जाए, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ पॉसिबल है तो वो जरूर हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। जैसा कि टाइटल देखा आपने, बैठे बिठाए खूब सारा पैसा आप कमा सकते हैं, वो भी बिना कुछ किए। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है आपको और बैठे बिठाए आपको सारी चीज़ चाहिए, सारे सुख सुविधा चाहिए, मोटे पैसे चाहिए, तो ये एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पूरा वीडियो में बने रहिए। आइए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है लोगों की। आज के टाइम में लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों को सारी सुख सुविधा चाहिए, पैसे चाहिए, सारा कुछ चाहिए, बट मेहनत नहीं करनी है। स्वर्ग सबने जाना है बट कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है जितनी भी वीडियो मैंने आज तक आपको दी है, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो ऐसा मैं हो जिसमें कि बिना कुछ किए आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब बिजनेस वर्ड आता है ना जहाँ पे, वहाँ पे दोनों चीज़ें लगती है, पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है। और अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, कुछ बड़ा करना, तो आप मेहनत से ना घबराएं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, सर कोई ऐसा काम बता दो जो बिना पैसे लगाए हो जाए, बिना पैसे लगाए ऐसा कोई काम बता दो जो बहुत बिके और मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। तो मेरे पास कोई ऐसी ताबीज़ नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी जादू नहीं है, और अगर वो होता तो मैं सबसे पहले अपने गले में टांग के घूम रहा होता। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूने से, जिसके बांध लेने से आप रातों रात अमीर हो जाओ। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने बड़ी 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 रिसर्च की मैंने इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा कौन सा काम है जो बिना किए कुछ पैसा मिल जाए। तो एक काम मिला है जो मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो में। कौन सा ऐसा काम है जो बिना कुछ किए आप ढेरों सारा पैसा कमा सकते हैं और बड़े ही मज़ेदार है और आंसर भी बड़ा ही अच्छा है इसका, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ में। बट आप लोगों की ज़्यादातर कमेंट क्या होते हैं जब मैं वीडियो डालता हूँ कि सर कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिसमें दुकानदार प्राइस को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि दुकानदार का कंसेप्ट ये रहता है कि अगर सर मैं प्राइस बता देता हूँ तो सामने वाला जो बंदा बेच रहा है तो उनको परेशानी होती है, वो बोलती है कि नहीं इस वीडियो को तो वो कस्टमर भी देखते हैं जो आपके सब्सक्राइबर हैं, तो वो हमारे कस्टमर भी हैं, तो अगर मैं उसको बोलूँगा कि ये इतने का है तो वो कैसे खरीदेगा, वो तो वीडियो दिखाने लगता है मुझे कि इसमें तो ये बोल रखा है 10 रुपये, आप कैसे 15 रुपये में बेच रहे हो। तो ये परेशानी है, इस वजह से कई लोग प्राइस को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। नो इश्यू, ठीक है, बट लोगों के नहीं, क्यों आप प्राइस क्यों नहीं बताते, फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हो। अरे भाई, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये भी मेरा काम है, मेरी नॉलेज देना आपको, आपको जानकारी पहुंचाना मेरा काम है। आपको हर तरह की वीडियो मिलती है हमारे चैनल पे, चाहे वो कपड़े की है, ज्वेलरी की है, साड़ियों की है, कुछ में प्राइस है, कुछ में प्राइस नहीं है, कुछ में फैक्ट्री की वीडियो है, तो अलग अलग तरह की वीडियो आपको मिलती है। मैं भी मेहनत करता हूँ, ये भी मेरा जॉब है, प्रोफेशन भी है हमारा, बट साथ साथ में मदद भी हो रही है आप लोगों की। तो अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो मेरे बच्चे बीवी तो भूखे मर जाएंगे, ये भी मेरा काम है। अगर ऐसी कोई ताबीज़ होती जिसके पहनने से रातों रात अमीर बन जाता तो वो ताबीज सबसे पहले मेरे बाजू पे दिखता, मेरे गले में दिखता, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसा कोई ताबीज तो है नहीं, तो मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे आएंगे पैसे, ये भी मेरा काम है। मैं जब कहीं जाता हूं वीडियो शूट करने, किसी की वीडियो बनाता हूं, तो डेफिनेटली नो डाउट कुछ ना कुछ हमें वहां से प्रॉफिट होता है, तभी मैं मेहनत करता हूं। और मैं तो क्या, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक आदमी का एक ही कोशिश होता है, 2 पैसे अर्न हो, तो मैं भी उसी के लिए काम करता हूं। डेफिनेटली एक इसके साथ में हमारा उपकार भी छुपा हुआ है, एक कहीं ना कहीं मैं मदद भी कर रहा हूं, तो वो भी एक रीजन है, बट मेन पर्पस ये होता है पैसे कमाना। तो मैं भी जो वीडियो डाल रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, आप वीडियो देखते हो, तो ये वीडियो बनाने के लिए भी कई कई घंटे की मेहनत पड़ती है, तब जाके वीडियो आप तक आती है। तो कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं हो सकती, बिना पैसे लगाए नहीं हो सकती। और जिस वीडियो में दुकानदार रेट बताना ही नहीं चाहेगा, तो मैं दुकानदार के जबरदस्ती तो नहीं करूंगा ना, 2 घूसा तो नहीं लगा दूंगा कि तू बता रेट क्यों नहीं बताएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, मेरा ये वीडियो डालने का मकसद ये है कि आप अपना हाथ पर हिलाओ,
आपको मैंने वीडियो बना के दी सदर बाजार की, उत्तम नगर की या गांधीनगर की, कहीं की भी दी वीडियो मैंने, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है वीडियो में, आप इतना तो कर सकते हो मेरे भाई कि आप फोन करो दुकानदार को, दुकान वाले को बोलो भैया मेरे को पिक भेज दीजिए प्राइस के साथ में, इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे होते हैं फिर वीडियो क्यों बनाया, फिर जो है जब रेट नहीं पूछ सकते तो वीडियो का क्या फायदा है, मेरा डाटा खराब हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आपको अगर समझ में नहीं आती तो किसने बोला मेरी वीडियो देखने के लिए मत देखो, किसी ने जबरदस्ती की है आपको कि मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। आप अपने फायदे के लिए देखते हो, आपको लगता है कि कुछ मेरा फायदा होने वाला है तभी आप देखते हो, और बैठे बिठाए बिजनेस नहीं होता। अगर आप इतने लेजी हो, इतने आप आराम करने वाले में से हो जो एक मैसेज नहीं कर सकता, जो व्हाट्सएप पे दुकानदार से बात नहीं कर सकता, तो आप बिजनेस क्या खाक करोगे? आपके बस की बिजनेस नहीं है, आपके लिए बिजनेस नहीं है। अपने आप को चेंज करो, लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आइडिया दिया, मैंने रास्ते दिखाए आपको, ये रास्ता भी नहीं दिखाता है कोई। कौन बताता है एक सदर बाजार में कहाँ पे ज्वेलरी मिल रही है सस्ते में? मैं बता रहा हूँ ना, तो कम से कम आगे का काम आप करो, आप दुकानदार से बात करो, आप मार्केट जाओ। कम से कम मैंने मार्केट दिखा दिया आपको कि सदर बाजार में ज्वेलरी मिलती है, जाने का रास्ता बता दिया। हम रास्ता ही दिखा सकते हैं, बाकी काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप इतना नहीं कर सकते ना ये छोटे छोटे काम, तो फिर आगे आप कस्टमर को क्या डील करोगे और आप बिजनेस क्या करोगे? बात रही बिना कुछ किए पैसे की, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करके बिना पैसे लगाए भी आप पैसा कमा सकते हो। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, आप सोचते हो मैं बैठे रहूं और मेरे नोट छपते रहे, तो एक ही बिजनेस है, वो है सुलभ शौचालय का। आप शौचालय खोल के बैठ जाओ, अंदर जाएगा जो करेगा वो मेहनत करेगा, पैसे आपके पॉकेट में आएंगे। तो ये सुलभ शौचालय खोल लीजिए आप, और यही एक काम है। इसके अलावा मैंने तो नहीं देखा आज तक अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम जो बिना पैसे के, बिना मेहनत के कुछ हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और फालतू की जो कमेंट आप लोग करते हो इस तरह की बेवकूफ वाली कमेंट, जिसका कोई टांग पैर नहीं है, बेवकूफी वाली चीजें, तो उम्मीद है आपको दिमाग में ये आ गई होगी कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको चाहते हैं आप मेहनत करके पैसे कमाना, तभी आप हमारी वीडियो को देखा करें, क्योंकि ऐसा कोई भी जादू नहीं है, कोई भी ऐसा ताबीज नहीं बनी बिना मेहनत के, बिना पैसे के आपको करोड़पति अमीर बना दे। एक ही बिजनेस है। इसके अलावा जो भी बिजनेस है, जितनी भी वीडियो मैंने डाली है, सुलभ शौचालय को छोड़ के सारी वीडियो मैंने लगभग डाली है, तो वहां पे आप जाके और देखिए वीडियो को। अगर आपको पैसा कमाना हो, हाथ पर ही लाइए, मार्केट जाइए, लोगों से बात कीजिए, मार्केट में घूमिए, आइडिया आपको मिल रहा है, इसके ऊपर काम कीजिए, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीजों के साथ। जय हिंद, जय भारत।